वसई विरार में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन यहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर चाकूबाजी आम हो गई है। पिछले 10 दिन में इस तरह यहाँ 30 से अधिक लोगों पर हमले हो चुके हैं। 31 जनवरी की रात नाला सुपारा पश्चिम टाकीपाड़ा में कुछ लोगों ने मामूली बात को लेकर एक नामचीन बिल्डर पर चाकू से हमला कर दिया था। 3 दिन बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पिलार क्षेत्र में आपसी रंजिश इसी तरह के चलते कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधों में अधिकतर नशेड़ियों का हाथ होता है। ये नशे के लिए राहगीरों से लूटपाट करते हैं और विरोध करने पर उन पर हमला कर देते हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने के लिए सख्ती जनहित महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता सिंह ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिया है। पुलिस प्रशासन को पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। हेमलता ने आरोप लगाया कि वसई विरार में ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई ना होने से यहां ड्रग्स की तस्करी काफी हो रही है। गांजा, गुटखा, एमडी व कोकीन अधिकतर स्लम इलाकों में बिक रहा है, यानी झोपड़पट्टियों में। यह कारोबार फोन कॉल से चल रहा है। सिंह ने कहा कि स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नशे की चपेट में आ गए हैं। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो ये लोग रात के समय राहगीरों से मारपीट कर उन्हें लूट लेते हैं। ये समस्या सबसे ज्यादा नाला सुपारा के संतोष भुवन, ओम नगर, श्रमिक नगर, भक्तिधाम, लसावीर नगर, लसावीर पहाड़ी, बावसेत पाड़ा, शर्मावाड़ी, कारगिल ठाकुर नगर, गौराई पाड़ा, वलई पाड़ा, बिलाल पाड़ा, पांडे नगर, जीवन नगर, वाकन पाड़ा, धानीवाग, रसीद कंपाउंड, पिलहार, मोरेगांव, प्रगति नगर, रहमत नगर, अलकापुरी, गाला नगर, हनुमान नगर आदि जगहों पर है। आपको बता दें, लगातार नाला सोपारा में अपराध बढ़ रहा है। पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए।